कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी तो आरंभ से इस बात का प्रयास कर ही रहे थे, ये उनका एक हिडन एजेंडा था। हम भी कह रहे हैं अभी उन्होंने 370 में कुछ बदलाव के लिए संशोधन लाए, मैं समझता हूँ ये उसी हिडन एजेंडा का पार्ट है। इससे कई तरह की गड़बड़ियां होंगी, अशांति फैलेगी, कई लोग जिन्हें आजादी के बाद से हमने अधिकार संपन्न कर रखा था उन क्लॉजों को आप हटाएंगे तो निश्चित तौर पे उस इलाके के लोगों में संतोष बढ़ेगा, आक्रोश होगा, असंतोष कुछ और आंदोलन का रूप लेगा। तो जिस ढंग से बीजेपी की सरकार कश्मीर को लेकर रोज अपने स्टैंड बदलती रही है और अपने हिडन एजेंडा पर चलती रही है, एक अकारण भय और आतंक का वातावरण बना के रखा हुआ कश्मीर में, आज उसी की परिणति है कि आपने संसद में इतना बड़ा बयान दिया और राष्ट्रपति से मंजूरी भी करा ली, जैसी चर्चा सुनने को आ रही है। मैं समझता हूँ ये एक बड़ा फैसला है और इसके परिणाम होंगे, इसके प्रतिक्रिया भी होगी और इन तमाम चीज़ों की जवाबदेही केंद्र सरकार की। प्रिकॉशन में बहुत सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, यह अलोकतांत्रिक है। लोगों को पहले से नजरबंद करना, उन्हें पुलिस दमन के तहत गिरफ्तार करके रखना उनके अधिकारों का हनन है। यह भारत है, ये का इमरजेंसी लगा दिया है क्या उन्होंने? कैसे करेंगे? ये तमाम जो गतिविधियां कश्मीर को लेकर ये कर रहे हैं यह अनडेमोक्रेटिक स्टेप्स है। लोग आप नेताओं को नजरबंद करके क्यों रख रहे हैं? आप कोई कारण नहीं बता रहे, प्रधानमंत्री को आके सामने आके बताना चाहिए देश को आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई है।